हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और मैं आज बनाऊंगी गोभी के कोफ्ते। तो आज देख सकते हैं कि गोभी को मैंने तोड़ के धो के साफ़ करके रख लिया है। अब मैं इसको कसूंगी, और बारीक वाला कसने वाला आप लीजिएगा, क्योंकि इसे बारीक कस के। और इधर मैंने ग्रेवी के लिए 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च और ये काजू मैंने रख लिए हैं तोड़ के। इसको मैं पीसूँगी, इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये बेसन थोड़ा और ये हरी धनिया मैंने रख लिया है काट के साफ़ करके। और इधर मैं गोभी को कस रही हूँ। गोभी अच्छे से कस के खूब अच्छे से बारीक वाले से कसना है, क्योंकि या तो आप लोग बारीक वाले से कस लो, नहीं तो पीस लो। और इसको मैंने कस लिया है बहुत अच्छे से, देख सकते हैं कितना बढ़िया कस गया है। तो अब इसमें हम मसाले के लिए दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब मिला के इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसको गोल गोल बना के, थोड़ा कम लगा था बेसन इसलिए मैंने थोड़ा और मिला लिया है। बेसन कम लगे तो आप मिला लेना, क्योंकि गोभी एकदम से ऐसा नहीं रहना चाहिए। और पानी तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही गोभी में मॉइस्चराइजर होता है, तो वो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए आप कितना अच्छा से मिक्स हो गया है, गोल गोल मैंने बना लिया है इसको। और खूब अच्छे से ऐसे ही गोल गोल बना के, और उसके बाद हम तलेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं अपनी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, मैं इसको तलूंगी। और गर्म हो चुका है, कितना बढ़िया से मैं इसमें डाल के तल लूँगी। और इधर मेरा एकदम लाल लाल हो गया है, ऐसे ही लाल करके एकदम चारों तरफ से सिक जाए सब तरफ से। तो उसके बाद इसको अब इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता, जो तेल बचा था उसी में मैंने कर लिया है, बाकी तेल मैंने नहीं डाला है इसमें। तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, और कसूरी मेथी मैं तेल में ही डाल दूंगी। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, फ्लेवर आता है तेल में डालने पे। और अदरक मैंने घिसा हुआ था उसको मैंने डाल लिया है। तो मैं इसको ऐसे ही खूब अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी काजू और टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था, इसको मैं डालूँगी इसकी ग्रेवी के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसकी ग्रेवी को मैंने डाल दिया है। अब इसमें धनिया और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के खूब अच्छे से मिलाऊँगी। इधर मैंने क्रीम रख लिया है डालने के लिए उसमें, तो इसमें मैं क्रीम डालूंगी। अच्छे से मेरा मसाला भुन चुका है, उसको पहले आप पेस्ट को खूब अच्छे से भून लें, तेल छोड़ने लगे तब जाके इसमें क्रीम मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब एकदम से भुन चुका है तब मैं इसमें क्रीम मिला रही हूँ, और अच्छे से एकदम मिल चुका है। अब इसके साथ भी मैं कम से कम 5 मिनट तक भुनूंगी, क्योंकि जो भी टाइम लगता है। अब मैं भुन चुकी हूँ, इसमें मैंने तेल वो डाल दिया है, सॉरी पानी डाल दिया है। तो आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी चाहें। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ, वैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि वो सोख लेता है, जो कोफ्ता होता है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा पानी उसी हिसाब से डालें, आप गाढ़ा पतला जिस हिसाब से खाना चाहें डाल सकते हैं। नमक अपने हिसाब से मैंने डाल दिया है इसमें, अब मिक्स हो चुका है। अब मैं ये डालूँगी तो कोफ्ते जो बना के रखे हैं गोभी के, और ये बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो छूने में एकदम वैसे मुलायम से। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। आप होटल और रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे, क्योंकि सही सच में बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। अब ये अच्छे से इसका उबाल आ जाएगा, उसके लिए मैं अब देख सकते हैं मेरा बन चुका है। और मैंने इसको हरी धनिया और जो क्रीम थोड़ा बचा के रखा था उसको मैंने डाल दिया ऊपर से। ये पराठे सिक गए हैं, और मैंने ये कटोरी में निकाल के खाना निकाल दिया है। तो सो गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है।